पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नए संसद भवन की बिल्डिंग की छत पर कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। इसके बाद उन्होंने नए संसद भवन के काम में लगे वर्कर्स से भी बातचीत की है। बता दें कि नए संसद भवन की छत पर बने कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर है और इस नए अशोक स्तंभ का वजन 9,500 किलोग्राम है। इसे नए संसद भवन के केंद्रीय फोयर के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। जान लीजिए कि 6.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक को सपोर्ट देने के लिए 6,500 किलोग्राम का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। नई संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक की ढलाई की अवधारणा और प्रक्रिया, मिट्टी मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स को लेकर कांस्य कास्टिंग और पॉलिशिंग तक की तैयारी के 8 अलग अलग चरणों में की गई। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? इतिहास सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको सर, तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको, है ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर, वो वन राशन का वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर, और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा है, कौन सा बात होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से राम सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया माँ पाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह का कुटिया सर, मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। जी सर, उसका मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आपने, आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है, और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया सर, और बढ़ा है, आप लोगों ने समय पर काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। आप में तो किसी कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? नहीं सर, सब नियमों का पालन किया सर। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सर? जी सर, दोनों डोज हो गए? दोनों डोज हो गए सर। मेरा बूस्टर डोज भी, बूस्टर डोज भी हो गए सर, बड़े जागरूक हो आप। चलिए, मेरी आपको आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामना है, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ मीट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भैंस होगा देने वाले। जी सर, राम मैंने आपको गर्व होना चाहिए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, मेहनत रंग लाएगी।